सीएम नीतीश कुमार ने गुरुवार के आईजीआईएमएस जाकर कोरोना की दूसरी डोज ली। सीएम के साथ दोनों डिप्टी सीएम ने भी कोरोना का टीका लगवाया है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि बिहार में कोरोना की ज्यादा से ज्यादा जांच कराई जा रही है। साथ ही ये भी कहा कि प्रशासन को कोरोना के लेकर प्रशासन काफी सतर्क है। और धीरे धीरे अपने राज्य में और जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, एक एक चीज पर नजर रखते हुए और इसका टेस्ट ज्यादा से ज्यादा करवाना, वही सबसे बड़ा उपाय है कि जितना हम लोगों ने टेस्ट बढ़ाना शुरू किया है उसी से पता चलेगा। और खास करके आरटीपीसीआर का टेस्ट होगा तभी सबका जो पता चलता है, उसी क्षेत्र में हम लोग बहुत तेजी से। बिहार में बढ़ते कोरोना का असर अब पार्टी कार्यालय में भी दिखने लगा है। जेडीयू प्रदेश कार्यालय 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। यह आदेश पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने दिया है। इसका जायजा लिया नेशन न्यूज संवाददाता राजीव कमल ने। कोरोना महामारी के रोज लगातार बढ़ रहे हैं आंकड़ों को लेकर कहीं ना कहीं बिहार में घबराहट है। जिस तरीके से रोज 5000 से करीब कोरोना पेशेंट पाए जा रहे हैं, उसको लेकर पार्टी कार्यालय में भी उसका एक तरीके से आपको प्रभाव दिखता नजर आएगा। प्रमुख पार्टी है जदयू, कार्यालय के बाहर हम खड़े हैं जो आप देख सकते हैं कि एक तरीके से बंद दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि आप पोस्टर यहाँ लगाए गए हैं कि वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना में बढ़ रहे प्रभाव के कारण 15 से 20 अप्रैल तक इसको बंद कर दिया गया है। किसी भी प्रकार के कार्यों के हेतु दूरभाष संपर्क स्थापित करें। और यहाँ कार्यालय के अंदर आप देख सकते हैं कि कार्यालय के अंदर गार्ड हैं और कोई नहीं है, कुछ लोग हैं। आइए उनसे कहते बात करते हैं क्यों कार्यालय बंद कर दिया गया है। कोरोना के लेकर के बंद किया गया है, जो कि प्रतिदिन लगातार वृद्धि हो रही है यहाँ पे, मैंने संक्रमण जो बढ़ते जा रहा है इसके मद्देनजर बंद किया गया है। देखते हुए इसको कि कम कुछ किया जाए, मैंने आगे भीड़ भाड़ कम हो इसके लिए। तो आपने सुना कि कार्यालय के अंदर ये काम कर रहे हैं, ये करने वाले लोग हैं जिनके कहना है कि कार्यालय कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को लेकर इसको बंद कर दिया गया है। वहीं सरकार में भी कितने प्रतिनिधि हैं जो कोरोना पेशेंट कोरोना उनको हो गया है, वहीं जो भी विधायक भी हैं और कुछ MLC भी हैं उनको भी एक तरीके से कोरोना है, जिसको लेकर एहतियातन तौर पर जदयू प्रदेश कार्यालय को बंद कर दिया गया 15 से 20 तारीख तक। अब आगे कहला इस 20 तारीख के बाद ही अब कार्यालय खुलने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि इस पे सरकार आगे जिस तरीके से कोरोना बढ़ रही है, महामारी बढ़ रही है, उसको कितना काबू पाती है। के साथ मैं राजीव कमल।